दोस्तों आज मैं आप लोगों को बेंगलुरु में घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप लोग भी यकीन नहीं करेंगे कि क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है। दरअसल बेंगलुरु का वैली कवल इलाका 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला इमारत रहती है। उस इमारत में रहने वाले कुछ पड़ोसियों ने 20 सितंबर को मकान मालिक को फोन करके बताया कि महालक्ष्मी नामक एक महिला जो कि वहीं उसी घर में रहती थी, उसके घर से बड़ी ही अजीब सी गंध आ रही है। साथ ही मकान मालिक को पड़ोसियों ने यह भी कहा कि महालक्ष्मी का घर काफी दिनों से बंद पड़ा है। इतना सुनने के बाद मकान मालिक ने तुरंत ही एग्रीमेंट बनाते समय इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट नंबर और पता लिया था महालक्ष्मी की मां और बहन का। मकान मालिक तुरंत ही उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे फोन करता है और महालक्ष्मी की मां को बताता है कि दरअसल महालक्ष्मी का घर काफी दिनों से बंद पड़ा है, और साथ ही ये भी बताया कि पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी के घर से अजीब सी बदबू आ रही है। मकान मालिक की सारी बातें सुनने के बाद महालक्ष्मी की मां बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि लगभग 19 दिनों से महालक्ष्मी की मां का महालक्ष्मी से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है, कोई भी बात नहीं हुआ है। इसके अलावा महालक्ष्मी का फोन नंबर भी लगभग 19 दिनों से बंद आ रहा है। तुरंत ही महालक्ष्मी की मां और उसकी बहन महालक्ष्मी के घर पहुंच जाते हैं। दरअसल महालक्ष्मी के घर की एक और चाबी महालक्ष्मी की मां के पास थी। वो चाबी लेकर तुरंत ही महालक्ष्मी के घर पर पहुंच जाती है। मकान मालिक और महालक्ष्मी की मां और बहन जब महालक्ष्मी के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर महालक्ष्मी के घर से बड़ी ही अजीब तरह की गंध आ रही होती है। अब मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में महालक्ष्मी के घर को खोला गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला एक बड़ी ही तेज गंध आई, जिसके बाद सब लोग पीछे हट गए और किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो थोड़ी देर भी वहां पर खड़ा हो सके, क्योंकि एक तेज गंध ने वहां पर खड़े सभी लोगों के नाक में दम कर दिया था। लेकिन अभी ये तो सिर्फ शुरुआत ही थी, आगे जो होने वाला था लोगों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ी देर बाद लोगों ने हिम्मत जुटाकर आखिरकार घर के अंदर फिर से दाखिल हुए, और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो घर का नजारा बहुत ही भयावह था, क्योंकि चारों तरफ फर्श पर सिर्फ खून ही खून बिखरे पड़े थे और मांस के छोटे छोटे टुकड़े यहां वहां चारों तरफ बिखरे पड़े थे। उसके साथ ही एक खून की सूखी लकीर जो कि कमरे से होते हुए फ्रिज के पास गई हुई थी। लोग हिम्मत जुटाकर उस फ्रिज के पास पहुंचे जो कि पहले से खुला हुआ था और वो फ्रिज पहले से चालू था। लोग जैसे ही फ्रिज के पास पहुंचे और उन्होंने फ्रिज का दरवाजा खोला तो उनकी चीखें निकल पड़ी। लोग उल्टे पैर घर से बाहर भाग गए, क्योंकि एक पल में उन्होंने जो फ्रिज में देखा वो दिल दहला देने वाला था। फ्रिज का नजारा देखकर मकान मालिक अब तक सब कुछ समझ चुका था। उसने तुरंत ही पुलिस वालों को फोन किया और इस बात की जानकारी पुलिस वालों को दे दी। आनंद फानंद में पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही पुलिस वाले महालक्ष्मी के घर में घुसते हैं उन्हें भी एक बड़ी ही तेज अजीब तरह की गंध आती है, जिसके बाद पुलिस वाले भी महालक्ष्मी के घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद पुलिस वालों द्वारा डबल मास्क मंगाया जाता है। उसके बाद डबल मास्क पहनने के बाद महालक्ष्मी के घर में पुलिस फिर एक बार अंदर घुसती है। अंदर घुसते ही जो घर का नजारा होता है उसे देखकर पुलिस वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। जैसे तैसे पुलिस वाले उस घर में रखे फ्रिज के पास पहुंच जाते हैं और फ्रिज को खोलकर देखते हैं तो उसके पहले खाने में 2 इंसानी पैर वहां पर रखे हुए होते हैं। उसके बाद पुलिस वाले बीच के खाने में देखते हैं, जहां पर इंसानी लाश के कई छोटे छोटे टुकड़े बीच वाले खाने में रखे हुए थे। उसके बाद पुलिस वाले जब निचले खाने में देखते हैं तो वहां पर एक सर रखा हुआ था जो कि उसी घर में रहने वाली महालक्ष्मी का था। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते उनकी नजर फ्रिज के बाहर फर्श पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद खुद पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। दरअसल फर्श पर चारों तरफ खून ही खून और लाश के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे।
पुलिस वालों ने तुरंत ही फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोगों को फोन किया और उनको क्राइम सीन पर पहुंचने के लिए कहा। उसके बाद फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग भी वहां पर क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। क्राइम सीन देखने के बाद वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये क्राइम सीन एक अजीब तरह का था, क्योंकि ऐसे अजीब क्राइम सीन में सबूत जुटाना, सबूत इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद फोरेंसिक डिपार्टमेंट जांच टीम ने बोरिंग के मुर्दा घर के स्टाफ को बुलाया और फिर मुर्दा घर के स्टाफ के आने के बाद फर्श से लेकर फ्रिज तक जितने भी लाश के छोटे छोटे टुकड़े थे और इंसानी जिस्म के जितने भी टुकड़े थे सबको बटोरा गया, उसको समेटा गया और बटोरते समय ये अंदाजा लगाया गया कि दरअसल महालक्ष्मी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है और महालक्ष्मी की बड़ी बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके शरीर के लगभग 35 से 40 टुकड़े किए गए हैं। मुर्दा घर के स्टाफ महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़ों को बटोर लेती है, उसके बाद उन टुकड़ों को मुर्दा घर लेकर चले जाते हैं। लाश के टुकड़ों को समेटने के बाद पुलिस वाले महालक्ष्मी के घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि महालक्ष्मी का फोन घर में ही रखे बेड पर पड़ा हुआ था। पुलिस वाले जब महालक्ष्मी के फोन की जांच करते हैं तो पता चलता है कि करीब 2 सितंबर के बाद न तो महालक्ष्मी के फोन पर किसी का फोन आया है और न ही महालक्ष्मी के मोबाइल से किसी को फोन किया गया है। उससे पुलिस वालों को यह अंदाजा लग जाता है कि दरअसल महालक्ष्मी की हत्या 2 से 3 सितंबर के बीच में ही हुई होगी। मोबाइल के अलावा पुलिस वालों को महालक्ष्मी के घर में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे महालक्ष्मी के हत्यारों का पता चल सके। उसके बाद पुलिस वाले महालक्ष्मी के मोबाइल को CDR पर डाल देते हैं ताकि उसकी कॉल डिटेल्स निकालकर ये पता किया जा सके कि महालक्ष्मी का किससे किससे कांटेक्ट था और 2 सितंबर के बाद क्या किसी ने उसके मोबाइल पर फोन किया था या नहीं किया था। साथ ही साथ पुलिस वालों को यह भी पता चलता है कि महालक्ष्मी के मोबाइल से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था, जिसके बाद महालक्ष्मी के मोबाइल पे 2 सितंबर के बाद ना ही किसी का फोन आया और ना ही महालक्ष्मी के मोबाइल फोन से किसी को फोन किया गया था, जिससे पुलिस वाले ये अंदाजा लगा लेते हैं कि दरअसल महालक्ष्मी की हत्या 2 से 3 सितंबर के बीच में ही हुई होगी। लेकिन अब सवाल ये था कि महालक्ष्मी की आखिर किसी से ऐसी भी क्या दुश्मनी हो सकती है कि महालक्ष्मी की इतनी बुरी तरह से हत्या की गई और उसके लाश को कई टुकड़ों में काटा गया। आखिर महालक्ष्मी का वो बेरहम कातिल कौन था और वो कहां छुपा बैठा था। पुलिस वाले इन्हीं सब सवालों के साथ जांच को आगे बढ़ाती है और हत्यारों की तलाश में निकल जाती है। पुलिस वालों द्वारा महालक्ष्मी की मां और बहन से पूछताछ में ये पता चला कि दरअसल वो नेपाल के रहने वाले हैं। 2019 में नेपाल में ही एक हेमंत दास नाम के एक लड़के से महालक्ष्मी की शादी हो जाती है। उसके बाद हेमंत दास और महालक्ष्मी अपनी बेहतर जिंदगी के लिए नेपाल से बेंगलुरु आ जाते हैं, जिसके बाद हेमंत दास एक मोबाइल शॉप में काम करने लगता है तो वहीं महालक्ष्मी एक मॉल में सेल्स वुमन का काम करती है। दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। कुछ साल के बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी भी होती है। 2023 तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 के बाद हेमंत दास और महालक्ष्मी अलग अलग हो जाते हैं। महालक्ष्मी व्याली कवल इलाके में रहने के लिए आ जाती है, लेकिन हर 15 दिन में महालक्ष्मी अपनी बेटी से मिलने के लिए हेमंत दास के घर पे जाया करती थी। महालक्ष्मी व्याली कवल इलाके में अकेली ही रहती थी। पुलिस वालों को तफ्तीश में पता चलता है कि दरअसल महालक्ष्मी और हेमंत दास के अलग होने की वजह थी लव ट्राइंगल। हेमंत को शक था कि दरअसल महालक्ष्मी का अफेयर उत्तराखंड के रहने वाले अशरफ, जो कि एक हेयर ड्रेसर है, उससे चल रहा है और इसी झगड़े को लेकर लगभग 9 महीने पहले महालक्ष्मी हेमंत दास से अलग रहने लगी। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी किसी से घुली मिली नहीं थी। वो सुबह 9 बजे काम पर चली जाती थी और लगभग 10-10:30 बजे काम पर से वापस आती थी। वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके साथ ही पड़ोसियों ने यह भी बताया कि दरअसल महालक्ष्मी को कोई अजनबी शख्स पिक एंड ड्रॉप करने भी आता था, लेकिन वो अजनबी शख्स कौन था ये कोई भी नहीं जानता था। अब पुलिस वाले उस अजनबी शख्स को ढूंढने के लिए, उस अजनबी शख्स को पकड़ने के लिए तलाश जारी करती हैं। शुरुआत में पुलिस वालों को लगता है कि दरअसल ये अजनबी शख्स अशरफ हो सकता है और पुलिस वालों की शक की सुई अशरफ की तरफ घूम जाती है। पुलिस महालक्ष्मी के पति हेमंत पर भी शक करती है
और हेमंत को और हेयर ड्रेसर अशरफ को बुलाती हैं और उससे लंबी पूछताछ करती हैं। पुलिस वालों की लंबी पूछताछ के बाद पुलिस वालों को हेमंत और अशरफ के बारे में कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिलते जिससे हेमंत और अशरफ के ऊपर महालक्ष्मी की हत्या का शक किया जा सके। तो अब सवाल ये था कि महालक्ष्मी की हत्या अगर हेमंत और अशरफ ने नहीं की है तो आखिर महालक्ष्मी की हत्या किसने की। पुलिस अपनी जांच में जुटी होती है कि महालक्ष्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि महालक्ष्मी की लाश के 30 से 40 टुकड़े नहीं बल्कि लगभग 59 टुकड़े किए गए थे। आखिर कातिल ने महालक्ष्मी की हत्या इतनी बुरी तरीके से क्यों की और हत्या करने के बाद आखिर उसकी लाश के इतने टुकड़े आखिर क्यों की। इसका खुलासा तो सिर्फ हत्यारे के पकड़े जाने के बाद ही होने वाला था। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और लगातार उस अजनबी हत्यारे की तलाश में जुटी रहती है। जांच में पुलिस वालों को पता चलता है कि महालक्ष्मी की जिस दिन हत्या हुई थी यानी कि 2 सितंबर उसके बाद महालक्ष्मी के घर पर महालक्ष्मी से मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। पड़ोसियों ने भी बताया कि जब से महालक्ष्मी की हत्या हुई है उसका फोन तब से बंद है और 2 सितंबर के बाद से पड़ोसियों ने किसी को भी महालक्ष्मी के घर आते हुए नहीं देखा। क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस वालों को पता चला कि दरअसल महालक्ष्मी की हत्या इसी कमरे में हुई होगी क्योंकि महालक्ष्मी जिस बिल्डिंग पर रहती है महालक्ष्मी उस बिल्डिंग में पहली मंजिल पर रहती है और ये बहुत ही मुश्किल था कि महालक्ष्मी की हत्या बाहर करके महालक्ष्मी की लाश को घर तक पहुंचाया जाए। इससे पुलिस वालों को पक्का शक हो जाता है कि दरअसल महालक्ष्मी की हत्या घर के अंदर ही की गई है। हो सकता है कि महालक्ष्मी को कोई नींद की दवाई दी गई हो जिसके वजह से पड़ोसियों ने भी महालक्ष्मी की हत्या के समय कोई भी आवाज नहीं सुनी क्योंकि महालक्ष्मी जिस इलाके में रहती है वो बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ये मुमकिन नहीं कि महालक्ष्मी की हत्या बाहर करके उसकी लाश को यहाँ पर महालक्ष्मी के घर पर लाया जाए। जिस तरह से महालक्ष्मी का कत्ल किया गया था और उसकी लाश के लगभग 59 टुकड़े किए गए थे पुलिस वालों को इससे पता चलता है कि दरअसल हत्यारा महालक्ष्मी की हत्या करते समय बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद हत्यारा तसल्ली से महालक्ष्मी की लाश के कई टुकड़े करता है यानी कि पुलिस वालों के मुताबिक महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद हत्यारा कई घंटों तक महालक्ष्मी की लाश के साथ ही था। पुलिस को जब कॉल डिटेल्स में हेमंत और अशरफ के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता उसके बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने निकल जाती है और महालक्ष्मी के घर के आसपास कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस वालों को आखिर हत्यारे का पता चल जाता है। पुलिस वालों को यह पता चल जाता है कि महालक्ष्मी का हत्यारा कौन है लेकिन उसके बाद भी महालक्ष्मी के हत्यारे का नाम पुलिस वाले उजागर नहीं करते क्योंकि शायद हत्यारे का नाम उजागर करने के बाद हत्यारा सतर्क हो सकता है। उसके बाद कातिल को पकड़ने के लिए बेंगलुरु पुलिस मुंबई पहुंच जाती है क्योंकि मुंबई में ही हत्यारे का परिवार रहता था। पुलिस वाले हत्यारे के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां हत्यारे का भाई पुलिस वालों को बताता है कि दरअसल वो लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इसके अलावा पुलिस वालों को भी सीसीटीवी फुटेज में अहम सबूत मिलते हैं। उसके बाद कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस वाले उड़ीसा पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि महालक्ष्मी का हत्यारा दरअसल उड़ीसा में रह रहा है। बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस ने लोगों को तब इतना हैरान नहीं किया जब लोगों को यह पता चला कि जब कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस उड़ीसा पहुंची तब तक आरोपी मुक्ति रंजन जो कि महालक्ष्मी का हत्यारा था उसने वहां पर आत्महत्या कर ली थी। साथ ही पुलिस वालों को मुक्ति रंजन रॉय के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की हत्या की असल वजह बताई। मुक्ति रंजन राय का शव पुलिस वालों को भद्रक जिले के धुसूरी में एक पेड़ से लटकता हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी एक ही कपड़े की दुकान में काम किया करते थे। उसके बाद दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोनों में प्यार हो गया। मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी में गहरे संबंध भी बने। पुलिस वालों के मुताबिक महालक्ष्मी मुक्ति रंजन पर शादी का दबाव डाल रही थी लेकिन मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी से शादी नहीं करना चाहता था और बस इसी बात को लेकर महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के बीच में आपस में बहस होती रहती थी और इसी झगड़े को लेकर मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी की करीब 2 सितंबर को हत्या कर दी और उसके बाद महालक्ष्मी के शव के कम से कम 59 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में भर दिया।
उसके बाद आरोपी मुक्ति रंजन वहां से फरार हो गया। इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि अनैतिक संबंध कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है, जिसके बाद लोगों के पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी बेंगलुरु महालक्ष्मी मर्डर केस की पूरी कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।